थलपति विजय की फिल्म लियो अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही खूब चर्चा में है। फिल्म की पोस्टर और ट्रेलर सभी ने इंटरनेट पर तहलका मचाया। इसके पहले शायद ही कोई तमिल फिल्म बनी हो जिसके रिलीज के पहले ही थलपति विजय की लियो जितना बज क्रिएट किया हो। आज फिल्म की रिलीज के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि लोकेश कनगराज की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब एक इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि किसी भी तमिल फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग हासिल करने की राह पर है। ऐसा माना जा रहा है कि लियो अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी, जो किसी तमिल फिल्म के लिए पहली इतनी बड़ी कमाई होगी। फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिव्यू आने लगे हैं और लियो रिव्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबह से ट्रेंड भी कर रहा है। ज्यादातर लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है, कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें फिल्म पसंद नहीं आई है। सोशल मीडिया पर थलपति विजय की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि अपने धांसु एक्शन सीन से विजय सबका दिल जीत रहे हैं। कुछ लोग फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि फिल्म को लेकर जितनी हाइप क्रिएट की गई है दरअसल उतनी अच्छी नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऑडियंस को लोकेश कनगराज की फिल्म पर पूरा यकीन है। साथ ही थलपति विजय भी कई बार खुद को सुपरस्टार साबित कर चुके हैं। फिलहाल सबसे बड़ी तमिल ओपनर का खिताब रजनीकांत और नेल्सन दिलीप कुमार की जेलर के पास है। इस बीच विजय की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बीस्ट है, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। ये तो तय है कि 19 अक्टूबर को रिकॉर्ड टूटेंगे और इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। ऐसे ही तमाम एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।